इस मूवी में एक ऐसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टूडेंट को पढ़ाने की जगह उन्हें क्लास में मूवी दिखाती है और गुस्सा आने पर उन्हें गालियां भी देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें बहुत सारे टीचर को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये एक फेयरवेल पार्टी है और यहाँ पर एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है। दरअसल एलिजाबेथ की शादी होने वाली है और आज उसका स्कूल में आखिरी दिन है, इसलिए सभी टीचर मिलकर उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ जब घर जाती है, तब घर जाने के बाद उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है जो कि उससे अपना रिश्ता तोड़ने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो उससे सिर्फ पैसे के लिए प्यार करती है। लेकिन एलिजाबेथ उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि वो कुछ ही महीनों में उसके लाखों रुपए उड़ा चुकी है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को अपने घर से जाने के लिए कहता है। अब रिश्ता टूटने के बाद एलिजाबेथ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके पास खर्चे के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसे फिर से एक स्कूल में जॉब करनी पड़ती है, जहां पर आज उसका स्कूल में पहला दिन है। यहां पर उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी है। एमी काफी फ्रेंडली व्यवहार की है, लेकिन दूसरी ओर एलिजाबेथ बहुत घमंडी और काफी बदतमीज है, इसलिए स्कूल के पहले ही दिन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन एक और टीचर जिसका नाम लिन है, उसकी एलिजाबेथ से थोड़ी बहुत बनती है, इसलिए वो उससे बात करते समय बताती है कि उसे टीचिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करा के और हॉट एंड अट्रैक्टिव दिखना चाहती है, जिससे वो किसी अमीर लड़के को पटाकर उससे शादी कर सके। इसलिए वो रात को एक क्लब में जाती है जिससे वहां पर कोई अमीर लड़का देखकर उसे पटा सके, लेकिन यहाँ पर भी उसकी बात नहीं बनती है। अब रात को एलिजाबेथ ने काफी नशा कर रखा था, इसलिए सुबह को उसकी आंख देर से खुलती है और वो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुकी थी, इसलिए वो क्लास में जाकर बच्चों को मूवी दिखाने लगती है और खुद क्लास में ही सो जाती है। अब लंच करते समय एलिजाबेथ के पास एक टीचर आता है जिसका नाम रसेल है। रसेल एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो इतने पैसे वाला और हैंडसम नहीं है, इसलिए एलिजाबेथ हमेशा उसे इग्नोर करती है। आगे सीन में हमें एक और टीचर दिखाया जाता है जो कि सब्स्टिट्यूट टीचर है, यानी कि वो कुछ समय के लिए यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया है। लेकिन एलिजाबेथ को जब ये बात पता चलती है कि वो काफी अमीर है और देखने में भी हैंडसम है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में वो उससे पर्सनल सवाल करने लगती है। यहाँ पर वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब स्कॉट उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाने लगता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत मायूस हो जाती है क्योंकि वो देखने में बहुत हॉट थी। इसलिए एलिजाबेथ भी अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे सर्जरी का खर्च $9,000 बताता है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा था, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और इसके लिए वो अपने रिश्तेदारों को फोन करती है जिससे वो उनसे कुछ मदद ले सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, इसलिए वो हार कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन लगा देती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा, इसलिए इसके बदले में तुम्हें मुझे $9,000 देने होंगे। लेकिन ये बात सुनकर वो भी कॉल को काट देता है। अब एलिजाबेथ जब क्लास में अकेली थी, तब उसके पास एक स्टूडेंट आती है और वो उसको बताती है कि हम सभी लोग एक इवेंट में जा रहे हैं जहां पर हमें कार वॉश करनी है, अगर आप हमारे साथ उस इवेंट में चलना चाहती हो तो चल सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ को वहां जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वो स्टूडेंट उसको बताती है कि पिछले साल हमने इस इवेंट से $6,000 कमाए थे, तब वो वहां जाने के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इस इवेंट को एमी लीड कर रही थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसे अपनी अदाओं में फंसा लेती है और एमी को इस इवेंट से रिप्लेस कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर इस इवेंट पर पहुंच जाती है और लोगों की कार को वॉश करने लगती है। ऐसा करते हुए सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे अपनी कार वॉश कराते हैं। ऐसा करके एलिजाबेथ लोगों से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है और बहुत सारे पैसे कमा लेती है। लेकिन एमी को उसके ऊपर शक होता है कि उसने इस इवेंट से बहुत सारे पैसे बचाए हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत करने लगती है, पर प्रिंसिपल उसकी बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि एलिजाबेथ ने इस इवेंट से $7,000 कमाकर स्कूल को दिए हैं, जो कि पिछले साल के एमी के द्वारा कमाए गए इवेंट से ज्यादा है। इस बात से एमी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो स्कॉट के सामने उसकी बेइज्जती करने का फैसला करती है। अब एलिजाबेथ जब स्कॉट के साथ होती है, तब एमी स्कॉट को ये बात बता देती है कि वो हॉट दिखने के लिए अपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराना चाहती है। लेकिन स्कॉट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो लोग अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए उस पर काम करते हैं। स्कॉट की ये बात सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि वो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है। लेकिन एक रात जब विंटर पार्टी चल रही थी और स्कॉट एलिजाबेथ के साथ डांस कर रहा था, तब वो डांस करते समय उसे बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और इस बारे में वो रसेल से बात करती है, और इसलिए रसेल और एलिजाबेथ के बीच की दूरियां भी कम हो रही थी। लेकिन रसेल के गरीब होने की वजह से एलिजाबेथ के अंदर अभी प्यार वाली फीलिंग नहीं आ पा रही थी, इसलिए वो अभी भी स्कॉट को ही इम्प्रेस करने के बारे में सोच रही होती है।
विंटर हॉलिडे में एलिजाबेथ का एक स्टूडेंट जिसका नाम गेराट है, उसके पेरेंट एलिजाबेथ को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। अब डिनर के बाद एलिजाबेथ गेराट से बात करने लगती है, तब वो उसको बताता है कि वो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी से प्यार करता है। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात सुनकर उससे कहती है कि रोजी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। दरअसल वो उससे ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि बचपन में जब वो भी सुपर हॉट हुआ करती थी तब वो ऐसे लड़कों को पसंद नहीं किया करती थी। इसलिए यहाँ पर एलिजाबेथ उससे सिर्फ सच्चाई बता रही थी जिससे वो किसी उम्मीद में ना रहे। अब एलिजाबेथ की ये बातें सुनकर गेराट को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद विंटर की छुट्टियां खत्म होने पर स्कॉट एलिजाबेथ से मिलता है और उसे अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि वो अपने साथ लिन को भी लेकर आए। ये बात सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि स्कॉट उसे पसंद करने लगा है। लेकिन क्लब में जाने के बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वहां पर पहले से ही एमी मौजूद होती है, और इससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब स्कॉट एमी के लिए एक गाना गाता है। इसलिए एलिजाबेथ गुस्से में लिन को लेकर यहां से चली जाती है। अब रास्ते में लिन एलिजाबेथ को बताती है कि एक स्टेट टेस्ट होने वाला है और जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उस क्लास टीचर को $5,700 मिलेंगे। इसलिए एलिजाबेथ सभी बच्चों को अब सीरियसली पढ़ाने का फैसला करती है जिससे वो अपना ऑपरेशन करा सके। लेकिन ऐसा करके अब कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि एलिजाबेथ ने पूरे साल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया था। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और एक न्यूज रिपोर्टर बनके उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने स्टेट एग्जाम के लिए पेपर बनाए थे। यहाँ पर एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो उसके ड्रिंक में एक नशे की दवाई मिला देती है। इसके बाद वो उन पेपर को चुरा लेती है और अपने सभी स्टूडेंट के बीच बांट देती है जिससे वो पूरे स्टेट में टॉप आते हैं, और इसके लिए एलिजाबेथ को 5,700 का चेक भी मिल जाता है। अब उसके पास सर्जरी कराने के लिए $9,000 कंप्लीट हो चुके थी। अब वो एमी को स्कॉट से दूर करने का भी फैसला करती है, इसलिए वो उसकी क्लास में जाकर एक सेब के ऊपर एलर्जी की दवाई लगा देती है। अब एमी जब अपनी क्लास में आती है तब वो सेब को बिना साफ किए ही खा जाती है जिससे उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। अब चेहरे पर एलर्जी होने की वजह से वो स्कूल के पिकनिक पर नहीं जा पाती है और उसकी जगह एलिजाबेथ को स्कॉट के साथ पिकनिक पर भेज दिया जाता है, जहां पर वो इस बात का पूरा फायदा उठाती है और स्कॉट के करीब आने की कोशिश करती है। अब एलिजाबेथ एमी और स्कॉट का रिलेशन तोड़ने के लिए कुछ ऐसी पिक्चर को क्लिक करके एमी को भेज देती है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो भी एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए अपनी क्लास के डेस्क को उसकी क्लास के डेस्क से एक्सचेंज कर लेती है। लेकिन एलिजाबेथ के डोर में लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो एक आदमी को बुलाकर उस लॉक को तोड़ने के लिए कहती है। अब लॉक टूटने के बाद जब वो उस डोर को चेक करती है तब उसे चोरी किए हुए पेपर मिल जाते हैं और वो उन पेपर को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है। अब प्रिंसिपल को भी यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ ने चीटिंग की है, लेकिन वो एमी से कहता है कि अगर इस बात की गवाही वही प्रोफेसर दे देगा जिसने पेपर बनाए हैं तभी वो एलिजाबेथ को कोई सजा दे पाएगा। इसलिए एमी उस प्रोफेसर के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वो उसे जेल भिजवा देगी। दूसरी ओर हमें एलिजाबेथ के स्टूडेंट गेराट को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। ये देखकर एलिजाबेथ की फीलिंग बदल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो भी रसेल के साथ वैसा ही कर रही है जबकि रसेल उसे सच्चा प्यार करता है। अब यहाँ पर एमी भी आ जाती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि मैंने तुम्हारा पर्दा फाश कर दिया है और तुम्हें बहुत ही जल्द जेल हो जाएगी। लेकिन उसकी बातें सुनकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि उसके हाथ वही पेपर लग चुके हैं, इसलिए वो अपने दोस्त से मिलकर कुछ पिक्चर उस प्रोफेसर तक पहुंचाने के लिए कहती है। जब वो प्रोफेसर उन पिक्चर को देखता है तब वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उस प्रोफेसर के साथ अपनी कुछ आपत्तिजनक पिक्चर क्लिक कर रखी थी। दूसरी ओर एलिजाबेथ को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी क्लास में जो डेस्क है वो एमी की है। अब प्रोफेसर जब गवाही देने के लिए स्कूल में आता है तब वो एलिजाबेथ के पक्ष में ही गवाही देता है जिससे एलिजाबेथ पूरी तरह से बरी हो जाती है। लेकिन अब एलिजाबेथ एमी की शिकायत प्रिंसिपल से करती है, वो उससे कहती है कि एमी ड्रग्स लेती है इसलिए उसकी डेस्क को चेक किया जाए। इसलिए अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जब एमी की डेस्क को चेक किया जाता है तब उसके अंदर ड्रग्स निकलता है, जबकि ये ड्रग्स एलिजाबेथ के होते हैं पर एमी ने डेस्क को एक्सचेंज कर रखा था इसलिए इसका इल्जाम उसी के ऊपर आ जाता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए अब उसने अमीर और हैंडसम लड़कों के सपने देखना बंद कर दिए थे और वो रसेल से अब सच्चा प्यार करने लगी थी। इसलिए अब वो और ज्यादा खूबसूरत देखने के लिए अपनी सर्जरी भी नहीं कराना चाहती है क्योंकि रसेल को वो ऐसे ही पसंद थी। और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।